press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बेगम, क्या बात है? आज के दिन खुशी के मौके पर क्यों गुस्से में लाल पीली हो रही हो? हैं? हमसे हमारे गुस्से का सबब पूछ के हमें और गुस्सा मत दिलाइए नवाब चौधरी। ऐसा क्या गजब हो गया अम्मी जान? पूछते हो क्या गजब हो गया? तुमने झोपड़े को महल की ऊंचाई दी, हम खामोश हैं। तुमने हमारा जहेज भरा दिल तोड़ दिया, हम कुछ नहीं बोले। शहर के रईस हमसे हमारे समधी का बैंक बैलेंस पूछते रहे और हम शर्मिंदगी से नजरें झुकाए खून के घूंट पीते रहे। और तुम पूछते हो क्या गजब हो गया? और सब कहां थे तुम जब तुम्हारी दुल्हन के फटीचर मेकअप और चार आने के गरारे की दुनिया तारीफें कर रही थी और हमारे हुस्न हमारी तैयारी का चला सा निकल रहा था। अम्मी हजूर, इससे कह दो अमजद अभी जाके अपना मुंह धोए और लॉन का सादा सूट पहनकर हमारी तारीफ करे। जी अम्मी हजूर। अम्मी हजूर, आपकी खिदमत और आपकी तारीफ करना तो मेरा ईमान है। अगर मेरा ट्रक चले तो आपको अमजद की माँ कहने वाले का मैं मुंह नोच लूं। चांद चेहरा, सितारा आंखें, घटा जुल्फे, आप बेगम नवाब चौधरी नहीं, आप तो मीर की गजल है, खिलता कवल है। बस करो, गरीब के मुंह से तो तारीफ भी गरीबी लगती है। जाओ अपने कमरे में। तुम कहाँ चल दी अमजद मियां? तुम्हारी माँ ने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हैं? जी अम्मी हजूर। इसे यहाँ ले तो आए हो अमजद, लेकिन इसे यहाँ के अदब व आदाब सिखा देना, क्योंकि हम भी जब ब्याह कर आए थे तो हमें भी सब कुछ सीखना पड़ा, उसे भी ये सब कुछ सीखना पड़ेगा, समझे तुम? जी अम्मी हजूर। इस घर में शमा बंद रखना ज़बान, जो जुल्म भी हो चुप करके सहो, हर काम अगर खुद करना पड़े मुझ पर कोई इल्ज़ाम न हो। इस घर में शमा डैडी को है शुगर, मीठा उन्हें देना नहीं, की है मरी लड़ना नहीं, लड़ना नहीं। है दूध भी क्या और क्या है दही, अम्मी जो कहें होता है वही। इस घर की बहू तुम हो मैं नहीं, मुझ पर कोई इल्जाम ना हो। इस घर में शमा सुबह बखैर दुल्हन है। भाई मालिक मशरूम मालिक, भाई ये बताओ कि आजकल कौन सी साजिशों में मशरूफ हो?
अरे मैं तो इस घर में अपनी आपा की वजह से रहता हूँ। इनकी जंगल देख के मुझे अपनी मरहूम माँ याद आती है। अगर इतना बुरा लगता हूँ तो आज ही चला जाता हूँ इस घर से। आपा, आप होते कौन है मेरे भाई को कुछ कहने वाले या उसका मजाक उड़ाने वाले? भाई मेरा मतलब है क्या? मुंह बंद रखें अपना। हमने बोले कब? सुबह का सलाम मम्मी हुजूर। अमजद, समझा दो अपनी चहीती को, हमें अम्मी जान कहने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सास जी कहें। जी बेहतर अम्मी जान। अरे कहने से क्या होता है आपा, दिल से सास माने तो मजा आए। मैं आपकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार हूँ अम्मी हुजूर। जाओ किचन में जाके 6 दर्जन पूरियां तलो और 12 अंडों का आमलेट बनाओ। और हाँ, याद रखना तेरी औकात चाय पापे से बढ़कर नहीं है। अभी बना के भेज दी हो 6 अंडे का आमलेट और पूरियां। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. झाड़ू देनी नहीं आती शहजादी कहीं की। जी, इतनी देर हो गई इतने से बर्तन नहीं धुले, पकड़े से जल्दी धो। एक घंटे में कपड़े धोकर सुखाकर तय कर अलमारी में रखो और ताले की चाबियां मुझे लाके दो, नहीं तो घर वापस भिजवा दूंगी। तोबा, किस कदर गर्मी है। कोई मुश्किल काम कहाँ होता सास जी, खुदा ऐसी सास हर किसी को दे। आपा, क्या बात है मेरे प्यारे भैया? आपा पता नहीं किस मट्टी की बनी है ये कल मुही, इस पर तो किसी जुर्म का असर ही होता दिखाई नहीं देता। है तो बड़ी ढीठ। तो अब आप क्या करेंगी मेरी अच्छी आपा? अब ये तो तुम बताओगे ना। तो मेरे ज़हन में तो तरकीबों का खजाना होता है मुस्कुरा के। तो फिर बताओ मुस्कुरा के। शमा, शमा, कितनी हसीन लगती हो तुम रोते हुए। मेरा दिल चाहता है कि तुम इसी तरह रोती रहो और मैं तुम्हें इसी तरह देखता रहूं। काश अम्मी जान तुम पे उठते बैठते जुल्म करती रहे और तुम इसी तरह आंसू बहाती रहो। इतनी अच्छी लगती हूँ मैं आपको रोते हुए। हाँ। अगर सास जी कभी मुझ पे जुल्म करते करते थक गई तो क्या होगा? तो फिर मैं तुम पे जुल्म की इंतहा कर दूंगा। शमा, अगर आप ना होते तो मेरा क्या होता अमजद? अगर मुझे 100 जन्म भी मिले तो मेरी हर जन्म में यही ख्वाहिश होगी कि सास जी मुझ पे तशद्दुद करे और मैं आपके सामने रोती रहूं रोती रहूं। वादा करें, वादा करें अमजद, अगर अगर मुझे कुछ हो गया तो आप नहीं रोएंगे, क्योंकि मैं आपको हमेशा हंसता हुआ देखना चाहती हूँ। मैं वादा करता हूँ शमा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जोर जोर से हंसूंगा। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ अमजद कि मुझे आप जैसा शौहर और सास जी जैसी सास मिली है। मैं भी तो कितना खुशकिस्मत हूँ शमा कि तुम जैसी रोनी सूरत मेरी जिंदगी में आई और मेरे दामन में आंसुओं की बहार भर दी। शमा रो, शमा रो और जोर से। हेलो, क्या अम्मी जान को कुछ हो गया? सास जी। अम्मी जान, क्या हो गया बेगम? तुम्हारी फिट पड़ गई है। सास जी, सास जी, मार! अरे मार दिया। अरे परे हट कलबूही। सास जी, आए आए। सास जी, आपको हमारी कसम है, हमें छोड़ के मत जाइएगा, वरना 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 हम जी नहीं पाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे। आइए डॉक्टर साहब, आइए। डॉक्टर साहब मेरी आंखों को बचा ले। पता नहीं किसकी नजर लग गई घर को। किसकी नजर खा गई आपा? आप लोगों को इस कलमुई को घर से निकालो और आपको
अमजद मियां की दूसरी शादी करनी पड़ेगी, वो भी पिंकी से। मैं अपनी आपा की जिंदगी की बात अपने पिंकी की कुर्बानी देने को तैयार हूँ। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, अब फैसला सिर्फ क्षमा के हाथ। हम अपनी प्यारी सास जी की जिंदगी बचाने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है डॉक्टर साहब। चाहिए चाहिए शादी की तैयारियां कीजिए। मैं अभी अपनी पिंकी को खत लिखता हूँ, वो अफ्रीका से अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ के फौरन आ जाएंगे अपने पप्पो की खास से। लेटर। मैं पिंकी हूँ, उम्मीद करती हूँ कि तुम खैरियत से नहीं होगी। अपनी मजलूम बीमार और मासूम फूफी जानी की जान बचाने के लिए मैं आ गई हूँ, मगर तूने मुझे पहचाना नहीं कल मुही और दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा खोल, मैं बेल बजा रही हूँ, फकत दरवाजे पे खड़ी पिंकी। आपकी बीमारी दूर करने के लिए आप जिनसे दूसरी शादी कर लूंगी। दूसरी शादी क्या मतलब? दूसरी शादी? मैं पिंकी की इतनी प्यारी प्यारी फूफो के खातिर, उनका जान बचाने का खातिर पिंकी को तलाक देता, बल्कि हम दोनों एक दूसरे को तलाक देता। ये क्या हो रहा है और अब क्या होने वाला है? पार्टी, पिंकी के आने की खुशी में पार्टी होगी। जाओ भैया पार्टी की अरेंजमेंट करो। टूटना बहुत बुरा शगुन होता है मिसेस नवाब चौधरी। चक्कर आ गए थे सास जी। अरे तेरी वजह से पहले ही क्या कम इस घर पे बलाएं थी जो आज खुशी के दिन पे भी यहाँ नौसत फैला दी अपनी। ओ फूफो जानी, इसके रहते हुए खुशी हमारा घर नहीं देख सकती। इस कल मुही को घर से निकालना पड़ेगा आपा। नहीं, नहीं, मुझे अपने कदमों की धूल बन के रहने दी। दूर रहो हमसे। खुदारा मुझे मत निकालिए, मत निकालिए। निकल जाओ यहाँ से और इस घर से इतनी दूर चली जाना कि तुम्हारी नहुसत हमारे घर तक ना पहुँच सके। हम कहाँ चले अमजद मियां? शमा को टैक्सी तो दिला दूं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Aapa main hu aapa.
अच्छे भैया। आपा एक प्रॉब्लम हो गई है, वो पिंकी का पर्स एयरपोर्ट पर चोरी हो गया था। शॉपिंग के लिए परेशान है बहुत। तो कोई बात नहीं, हम अभी 1 करोड़ का चेक काट देते हैं। पापा जॉनी, हमारा भी एक बात सुनो। पिंकी का धाम इस घर में बहुत घुटता है, धाम घुटता है। आप हमने उसे कहीं ना उसे कहीं बाहर ले गए। हम अभी अमजद को हुक्म देते हैं कि वो पिंकी को बाहर घुमा फिरा के लाए। सब चीटर है, चीटर है सब। मगर बॉस एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है बॉस कि सारा बिजनेस, सारा पैसा उस बुड्ढी बुढ़िया के नाम है और अमजद के नाम पे कुछ भी नहीं। इसका मतलब है बुढ़िया का पत्ता साफ करना होगा और अमजद उसकी खैर है, वो तो है ही बेवकूफ। ओके बॉस, अब मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे अभी चाल पिछाना है। रुक जाओ, आपा हमने सब कुछ सुन लिया है। देखा बेगम, मैं ना कहता था कि ये साजिश ही है। मामू निकल जाओ इस घर से। और पिंकी दम में निकल जाओ इस घर से। लेकिन अम्मी हजूर, शमा को तो आप घर से निकाल चुकी हैं और अब पिंकी को भी। जाओ अमजद, जाके इस घर की और हमारी असली बहू शमा को जाकर ले आओ। मेरे ख्याल में वो अभी तक स्टेशन पर होगी और गाड़ी अभी तक चली नहीं होगी। जल्दी जाओ। जी अम्मी हजूर। और तुम लोग यहाँ से निकल जाओ स्टीम के साथ। देखा बेगम, मुंह बंद। शमा, शमा
क्या लेने आए हो अमजद? तुम्हें क्षमा? बस कीजिए सेठ अमजद, अब इन दिल में उतर जाने वाली और कानों में रस खोलने वाली बातों का वक्त गुजर चुका। ऐसा मत करो क्षमा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नहीं अमजद, अब ये नहीं हो सकता। मेरे खातिर नहीं तो मुन्ने के खातिर वापिस चले चलो। मुझे माफ कर दो बेटी। जी पेतर, सास जी। सास जी नहीं, अम्मी जी। अम्मी जान। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.